ये खून की बाजी है, हम खून से हर घर घर से खून निकलेगा। इमरान हमारा लीडर है। खान साहब वास्ते नहीं आए? नहीं, अभी तो सर जी हाँ जी वेखन आए थे। असि खान साहब नु भी कोई नहीं जानते, ना शुभाष श्री साहब नु। ये इमरान खान जो लड़ रहा है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। वो कि अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। यहाँ लोग तमाशा देखते हैं, ये वो लोग हैं जो नून लिए गए हैं, तमाशा देख रहे हैं। नहीं तो इमरान खान को किस चीज की कमी है? वो क्यों लड़ रहा है? वो क्यों जद्दोजहद कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहा है? पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? उसको किस चीज की कमी है? लोग जो से आ गए बीच में। हाँ जी, बस ये नून ली गई होंगे। आप किस लिए नून ली गई? आप किस लिए यहाँ पे आए? चांदा किला में जी। किसके? पीटीआई के। हाँ जी, पीटीआई। आप किस लिए आए? इमरान खान के लिए निकले हैं। तो ठीक है ना, वो कह रहे निकले, आप कह रहे हैं मदद लेने आए। सर जी असि माड़े बंदे, असि एक सैर दे चंगे आ, जिन्ना डांगा खानिया को गोली लगी। इमरान खान भागा? इमरान खान तो जा सकता था अपने इलाज के लिए, वो तो नहीं ना गया। ये चोर क्यों भाग जाते? इनको बुखार भी होता था, ये बाहर भाग जाते हैं। वो मर्द मुजाहिद है, जब उसे गोली लगी थी उसने ऐसे किया था, वो डरा नहीं था। आज भी उसको घसीट लेकर जा रहे थे और वो चल के जा रहा था। वो शेर है, वो शेर का बच्चा है। ये इन बुजदिलों का चोरों की तरह नहीं है। इतने लोग कट्ठे हुए ने चांदा किला देते कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तुसी इतने खास किस वास्ते आए हो? सर असि इमरान खान वास्ते आए हैं, असि अपनी नस्लों बचाने वास्ते आए हैं। जो इमरान खान कर रहे ने सरासर नजाती है। साडे अदारे जड़े ने वह साढ़े सामने खड़े हो गए ने। असि अपने अदारे ने अज लड़न आए हैं, असि हुकूमत नहीं लड़न आए। और सानू इमरान खान ने बादशाहूर किया है। चंद लोग जड़े आके आंदे ने असि किसी दे भी नहीं, असि कहे किसी दे भी नहीं, ये अपनी जात वास्ते भी नहीं लड़ सकते। जेड़ा इंसान अपनी जात वास्ते नहीं लड़ सकता, वह किसी वास्ते की लड़ सकता? लिहाजा सानू इमरान खान रिहा किया जाए। साडा इत्थे इत्तेजाज असि इत्थे जिन्ने दिन भी सानू बयाना पिया असि बांगे। चांदा किला यानी कि ब्लॉग रखोगे जब तक इमरान खान साहब नहीं? ब्लॉग रखेंगे, हारते हैं पे यहां पे छोड़े, बस ये एक ही जिंदगी का मकसद है। तो जैसे कहा गया था कि हमारी तरफ से कहा गया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो अब ये क्रॉस हो चुकी है, तो हम खड़े हैं, हमें भी मार दे, हम घर चले जाएंगे, बता देंगे मारे पड़े। रेड लाइन खराब नहीं होती, रेड लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो गई, क्रॉस नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला आपके सामने आपकी जिंदगी रहे और हमारी भी। हमारा वजीर आजम इमरान खान ही होगा, ये चोर उचक्का नहीं होगा। आएंगे वापस? क्यों नहीं आएंगे? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह वापस आएंगे। इमरान खान ने तो नसना नहीं है, इमरान खान इतना ही मरना, खून भी दे रहा है, असी भी दे रहा खून। कुत्ते नस गए ने, बीमार हो गए, कैंसर, हर चीज उन्हें बीमारी पै गई सी, नस गया उठे इतने आवे मुकाबला करे। इमरान खान के लिए हम इधर आए हैं, खान के लिए जान भी हाजिर है। इनको हम 12 बजे का टाइम देते हैं, 12 बजे तक ये अगर खान साहब को छोड़ देते हैं तो इनके लिए भला होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आगे का लाया मतलब हम खुद जानते हैं कि मामले के साथ करना क्या, ये नहीं जानते। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसके पीछे जो भी हो कुछ हो रहा है, उसके पीछे वर्दी वाले हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम जान चुकी है, पुलिस वाले नहीं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इमरान खान के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, ठीक है ना? इमरान खान पाकिस्तान का बच्चा है, ठीक है? जो मरियम नवाज है बांद्री, उसको नजर हो जाता है बाहर मुल्क जाती है। इधर डॉक्टर नहीं है, इधर भी डॉक्टर है, बाहर मुल्क यहाँ लेने जाती है पकौड़े के साथ। इधर मरे ना पाकिस्तान में, अब देख रहे हैं लोगों का जोशो खरोच इमरान खान साहब के लिए। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जल्द आएंगे वापस, और जब तक वो नहीं आते तब तक ये लोग यहीं पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान खान।